प्रदेश सरकार लाख दावे कर ले कि प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा के लिए पढ़ने वाले मासूम बच्चों के लिए पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही है, लेकिन ऐसे सारे दावों की हकीकत बयां करने के लिए जर्जर स्कूल ही काफी है, जहां मौत के साए में पढ़ने को मजबूर है मासूम। देखिए रिपोर्ट। सरकारी दावों की खुली पोल, मौत के साए में पढ़ने को मजबूर है मासूम, जान जोखिम में डालकर सीख रहे हैं ककहरा, गीली जमीन पर बैठने को मजबूर है मासूम। पढ़ना हर बच्चे के लिए जरूरी है, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। पर धरातल पर ये बात कितनी सच साबित हो रही है, क्योंकि एक और सरकार पढ़ने की मुखालपत कर रही है तो दूसरी ओर मौत के साए में पढ़ने को मजबूर हैं ये नन्हे मासूम। प्रदेश सरकार लाख दावे करे कि प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा के लिए पढ़ने वाले मासूम बच्चों के लिए पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही है, लेकिन सारे दावे देवास जिले के बागली विकासखंड के कमलापुर संकुल के अंतर्गत संचालित शासकीय प्राथमिक स्कूल साकलघाट रामसिंहपुरा ब्लॉक मजरा में हकीकत को झूठा साबित करने के लिए काफी है। गुजर जाने के बाद भी प्रशासन ने इन स्कूलों की सुध ही नहीं ली है। इसके कारण छात्र छात्राएं खुले आसमान के नीचे बैठकर पढ़ाई करने को मजबूर हैं। बारिश का मौसम भी शुरू हो गया है, बच्चों के सामने गीली जमीन और उजड़े छप्पर में पढ़ाई करने को मजबूर हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि शिवराज सरकार में शिक्षा मंत्री रहे दीपक जोशी इसी इलाके से चुनकर आते थे। कई बार शिक्षकों ने सरकार को बदहाली को बयां करने वाले खत भी लिखे, लेकिन जिम्मेदारों के कानों तक जूं तक नहीं रेंगी। भवन यहाँ विगत 6-7 वर्ष से मतलब डैमेज है, कंडीशन खराब है और दोनों कक्ष में पानी गिरता रहता है। बरसात में तो ये कंडीशन होती है कि अंदर तक पानी भरा जाता है, बच्चों को बैठने की असुविधा है और किचन सेट है मात्र वो बहुत छोटा कक्ष है, उसी के अंदर उनको बच्चों को बिठाना पड़ता है। कई तभी से 6-7 वर्षों से हमारे विभागीय अधिकारी को सूचित कर दिया गया, उनको लिखित सूचना दी गई और शिक्षा मंत्री द्वारा उन्होंने भी आश्वासन दिया गया था कि किसी प्रकार का कोई भी ना तो रिपेयर का ना कोई नए भवन का किसी प्रकार की कोई डिमांड पूरी नहीं की गई। यहाँ 61 बच्चे दर्ज हैं, भवन की स्थिति बहुत ही ख़राब है। विगत 2 साल से मैंने भवन के लिए पत्र लिख कर दिया है विभाग को, लेकिन विभाग की तरफ से भी कोई सुनवाई नहीं हुई है। और अब मैं जो है मजबूरन बारिश के दिनों में जो है बच्चों को बिठाने के लिए मजबूर हूँ और बाहर खुले में बिठा रहा हूँ, भवन के अंदर नहीं बिठा सकता। जब बारिश हो जाती है तो मैं बच्चों की छुट्टी कर देता हूँ और मैं यहाँ पर बिल्कुल बैठा रहता हूँ अपने समय साला समय तक। वहीं अब हाट पिपलिया से कांग्रेस विधायक मनोज चौधरी का दावा है कि उनकी सरकार को आए चंद महीने ही गुजरे हैं, लिहाजा आने वाले दिनों में स्कूल की समस्या को देखते हुए ज़रूरी कदम उठाएंगे। बिल्कुल आपका सही कहना है, विगत कई वर्षों से दूसरों के हाथ में जो भी कमान थी हम उसका कहीं नहीं कहते हैं। लेकिन इस सत्र के पहले, अभी ये सत्र अभी चालू हो रहा है, अभी हमने पूरा शिक्षा जिला शिक्षा अधिकारी से कागज़ भी मंगवाए कि कौन कौन सी जगह भवन है, बिल्डिंग ख़राब है स्कूल की, उनकी जानकारी पूरी दी जाए ताकि आने वाले समय में उनको बच्चों को असुविधा ना हो, बिल्डिंग नए सिरे से तैयार हो जाए या फिर भवन दूसरी जगह कहीं भी उनकी बैठने की व्यवस्था तब तक वो तैयार नहीं होती है उनको व्यवस्था की जाए। कुल मिलाकर बच्चे स्कूल आते हैं लेकिन बरसात में जमीन गीली, ऊपर छत खुली तो क्या करे, वापस घर की ओर लौट जाते हैं। शिक्षक और ग्रामीण स्कूल की मरम्मत की मांग को लेकर सैकड़ों बार अधिकारियों के दफ्तरों के चक्कर लगा चुके, लेकिन हर बार निराशा ही हाथ लगी है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, देवास।